यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए, और ये एकदम फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति। फ्रेंड्स, मानसून आते ही हर कोई खुश हो जाता है क्योंकि सभी को गर्मियों से राहत मिल जाती है। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि जैसे ही मानसून आता है तो आपके स्वास्थ्य को भी खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि मानसून जब भी आता है तो वो अपने साथ कई बीमारियाँ भी लेकर आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगी मानसून से रिलेटेड कुछ बीमारियों के बारे में और उसके प्रिवेंशन के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। मानसून या बरसात के पानी की पहली बूंद से ही हम सभी को बहुत खुशी होती है और राहत भी मिलती है। समर की चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए बरसात का मौसम हमारे लिए किसी दवा से कम नहीं होता है। लेकिन बारिश के मौसम में हमें हमारी हेल्थ का खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। हमें हमारे खाने पीने के साथ ही साथ हमारी जीवन शैली में भी ध्यान देना चाहिए। बारिश में हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे रिस्क होते हैं। स्पेशली बच्चे बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं मानसून में। बारिश का मौसम ऐसा सीज़न होता है जब वाटरबोर्न बैक्टीरिया या पानी में पनपने वाले बैक्टीरियाज हमें अटैक कर सकते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं, और हमारी इम्यून पावर, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, उसे भी रिड्यूस कर सकते हैं। बारिश का सीज़न हम सभी को गर्मी से थक पहुंचाता है, पर इस सीज़न में कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जिससे हम सभी को इसे खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। यदि आपके घरों में बच्चे हैं या बड़े बुज़ुर्ग हैं तो उन्हें ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। इस सीज़न में एलर्जीज, कोल्ड, कफ एक्सेट्रा जैसी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बच्चे और बूढ़े ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं। ऐसे में डाइट या जिस तरीके का आप खाना खा रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। रेनी सीज़न में इनडाइजेशन, एलर्जी या कई तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? तो मैं कुछ हेल्थ टिप्स दूंगी जो आपको रेनी सीज़न में होने वाले नेगेटिव इफ़ेक्ट से बचाएंगे। फर्स्टली, यदि आपको बाहर खाने की हैबिट है या रोड साइड फूड आइटम्स आप खाते हैं तो रेनी सीज़न इस टाइप के फूड्स के लिए सही नहीं होता है, क्योंकि बाहर के खाने में जो वेजिटेबल्स या वाटर यूज़ किया जाता है वो हाइजीनिक नहीं होता है। हमारे घरों में या आसपास पानी जमा हुआ होता है जिससे मॉस्किटो को प्रजनन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है, जिस वजह से मॉस्किटो ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जैसे मलेरिया, डेंगू फीवर या चिकनगुनिया भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। रेनी सीज़न में ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है जो कि स्किन डिजीजेस एंड फंगल इन्फेक्शन की वजह बन सकती है। जिन लोगों को बहुत पुरानी स्किन प्रॉब्लम्स हैं जैसे एक्जिमा, एक्ने या सोर्स, वो बढ़ सकती है, या जो ठीक हो चुका है वो वापस आ सकता है। रेनी क्लाइमेट जो होता है वो फंगस को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आइडियल होता है। तो चलिए, मानसून के सीज़न में हेल्दी रहने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं। बारिश के पानी में चलना अवॉइड करें। बारिश का जमा हुआ पानी पैरों में फंगल डिजीजेस का कारण बन सकता है। इस मौसम में जब भी घर से बाहर जाएं तो अपने साथ हमेशा छाता या रेनकोट लेकर जाएं, खुद को भीगने से बचाएं। इस मौसम में हल्का गर्म खाना या ड्रिंक्स लें। बच्चों को बारिश में या बारिश के जमा पानी में खेलने ना दें। सड़कों में जहाँ कहीं भी बारिश का पानी जमा हो वहाँ पर चलना अवॉइड करें। ट्रैफिक होने के कारण जमा हुआ गंदा पानी आपके ऊपर आ सकता है। पानी से भीगे हुए पैरों को जितना जल्दी हो ड्राई कर लें, उसे सूखे कप टॉवेल से जल्द तुरंत पोंछ लें। अपनी बॉडी को हमेशा गर्म रखें और सूखा रखें, इससे आप खुद को कोल्ड कफ से दूर रख सकते हैं। यदि आप भीगे हुए हैं तो डैम्प प्लेस या एयर कंडीशन रूम में जाना अवॉइड करें। गीले सॉक्स या शूज़ ना पहनें। दिन में दो बार नहाएं। अपनी बॉडी और स्किन को साफ सुथरा रखें, क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से आपके शरीर में या स्किन में स्वेट, डर्ट्स और या अदर टॉक्सिन्स जमा हो सकते हैं। टाइट कपड़े ना पहनें। सिंथेटिक फैब्रिक से बने कपड़े पहनना अवॉइड करें। कॉटन या लिनन के कपड़े पहनें। स्किन फोल्ड्स में पसीना या मॉइस्चर ना हो, इससे बचने के लिए एंटी फंगल टेल्क पाउडर यूज़ करें। यदि आप अस्थमा या डायबिटीज़ के मरीज हैं तो ऐसी जगह जहां डैम्प वॉल्स या नमी वाले जगहों पर ना रुकें। रेनी सीज़न में गर्म हर्बल टी पिए, स्पेशली जिसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं उसे प्रिफर करें। अपनी डाइट में विटामिन सी को इंक्लूड करें, यह आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, साथ ही साथ इन्फेक्शन में भी लड़ने में मदद करता है।
मानसून सीजन में फास्ट फूड्स या रोड साइड स्टॉल में मिलने वाले स्नैक्स ना खाएं, ये स्टमक इन्फेक्शंस का कारण बन सकते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा, रेनी सीजन में आप या आपके घर में किसी को भी इनडाइजेशन की समस्या हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस सीज़न में एयरबॉर्न बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और आप जो भी कुछ खाते हैं उसके थ्रू ईजिली आपके बॉडी में एंटर कर जाते हैं। मानसून में ह्यूमिडिटी होने के कारण आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, इसलिए ऑयली फूड को अवॉइड करें, स्पेशली विच आर प्रिपेयर्ड इन द स्ट्रीट। केवल हेल्दी फूड जो घर पर बना हो उसे ही खाएं। इस सीज़न में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। ऐसे में कुछ होम रेमेडीज़ आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। मानसून में गार्लिक यानि लहसुन से बना हुआ सूप आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद कर सकता है। ऐसा पानी जो प्यूरिफाइड नहीं है या बॉयल नहीं है उसे पीना अवॉइड करें, क्योंकि इस सीज़न में वाटर बोन या पानी से होने वाली बीमारियां बहुत कॉमन होती हैं। फिल्टर्ड या बॉयल वाटर ही लें। पानी को बॉयल करने से सभी जर्म्स या बैक्टीरियाज मर जाते हैं। घर में या घर के आसपास बारिश का पानी जमा ना होने दें। जमा हुआ पानी कई बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू का कारण बनता है। हमेशा अनयूज्ड टैंक, फ्लावर पॉट्स या कूलर में भरे हुए पानी को तुरंत ही फेंक दें। जमे पानी में मॉस्किटो ब्रीड करते हैं, इसलिए पानी जमा ना होने दें और यदि हो गया है तो उसे तुरंत से तुरंत साफ कर दें। मॉस्किटो नेट या रेपेलेंट का यूज़ करें, स्पेशली नाइट में जब आप सोते हैं। मानसून में वाटरी फ्रूट्स या फूड लाइक वाटरमेलन, लस्सी या राइस इत्यादि को अवॉइड करें, यह आपकी बॉडी में स्वेलिंग कर सकता है। सो बेटर है कि मानसून में ऐसा खाना खाएं जो ड्राई नेचर का हो। रेनी सीजन में बहुत ही कॉमन बात आपने नोटिस की होगी वो है फ्लाइज यानी कि मक्खियाँ, जो घर में या हमारे घर के आसपास नज़र आती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग और बहुत ही ज़्यादा एनोइंग होती हैं। मानसून का मॉइस्चर और ह्यूमिड वातावरण इनके लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट होता है। इनसे बचने के लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। फ्लाइज गंदगी में या बहुत ही ज़्यादा वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं उन पर बैठती है और वहाँ के बैक्टीरियाज को पिक करती है और इन बैक्टीरिया को अपने फीट से जिस जगह भी बैठती हैं वहाँ ट्रांसफ़र कर देती हैं। ये जगह हमारा खाना भी हो सकता है जिसे बाद में हम खाते हैं। इसे बचने के लिए कुछ बेस्ट तरीके के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारे घरों में निकलने वाले जो भी वेस्टेज होता है उसे हमें रेगुलरली डिस्पोज कर देनी चाहिए। हमेशा डस्टबिन को ढककर रखना चाहिए। अपने खाने के आइटम्स को भी हमेशा कवर करके रखें। घरों के अंदर रखे हुए प्लांट्स को कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें। यदि आपके घर में पालतू जानवर हैं तो उनको रेगुलर ही नहलाएं, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखें। घर के हर कोनों को डिसइंफेक्टेंट से अच्छी तरह से साफ करें। किचन, डाइनिंग टेबल या बाथरूम की सफाई पर ज़्यादा फोकस करें। घर के ये हिस्सों जो होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है जिसकी वजह से फ्लाइज जो होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती है इस जगह पर। खिड़की दरवाज़ों पर हमेशा नेट का यूज़ करें, इससे मॉस्किटोज़ या फ्लाइज को घर में आने से रोका जा सकता है। घर को हमेशा सूखा रखें, घर में गीले कपड़े ना रखें। घर में रखे हुए वाटर कंटेनर को हमें कभी भी खुला ना छोड़ें। इंडिया में मानसून सीज़न का लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। मानसून रिफ्रेशिंग टाइम होता है, इस सीज़न को खूब ज़्यादा इंजॉय करें पर अपनी सेहत का ध्यान भी रखें। कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए भी आप हेल्दी रह सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं, स्पेशली बच्चों को या बड़े बुजुर्गों को बीमारियों से बचा सकते हैं। यदि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। आपके जान पहचान वालों को बीमारियों से बचाने के लिए जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करके उन्हें अवेयर करें। इस वीडियो को शेयर करके अपने जान पहचान वालों को अवेयर कीजिए और इस मानसून में उन्हें बीमार होने से बचाइए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है। At last, but not the least, be happy, stay healthy. Thank you.